हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आने वाले टाइम में क्लास 10 मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, देखिए, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। मतलब हमें ये चेक करना है ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलिस ट्रायंगल का वर्टिसेस होंगे या नहीं। आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? आइसोसेलिस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिस ट्रायंगल का किसी भी दो साइड्स का लेंथ इक्वल हो जाए। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में हम लोग पहले पॉइंट्स को ए मान लेंगे, दूसरा पॉइंट्स को हम लोग बी मान लेंगे और तीसरा पॉइंट्स को हम लोग सी मान लेंगे। उसके बाद हम लोग AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। अगर निकालने के बाद किसी भी दो साइड्स का लेंथ इक्वल हो जाए तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलिस ट्रायंगल का वर्टिसेस होंगे, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलिस ट्रायंगल का वर्टिसेस नहीं होंगे। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स को हम लोग ए नाम देंगे, सो लेट ए इक्वल टू 5, -2। सेकेंड पॉइंट्स को हम लोग बी नाम देंगे, सो लेट बी इज इक्वल टू 6, 4। एंड थर्ड पॉइंट्स को हम लोग सी नाम देंगे, सो सी इक्वल टू 7, -2। अभी यहां पर हम लोग AB निकालेंगे, AB मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, x2 - x1² + y2 - y1² तो यहां पर देखिए x2 कितना है, देखिए 6, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 - 5² + y2 - y1, तो y2 कितना है देखिए 4, -y1 कितना है देखिए -2, तो यहां पर माइनस और माइनस मिलके यहां पर प्लस हो जाएगा, सो +2² दिस इज इक्वल टू, आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर 6 - 5 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 तो 6 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 + 6 का स्क्वायर 36। तो फाइनली यहां पर आ गया √37। नेक्स्ट यहां पर हम लोग बीसी कैलकुलेट करेंगे, सो बीसी इज इक्वल टू, तो बीसी इज इक्वल टू देखिए बीसी मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो देखिए यहां पर x1 y1 x2 y2, सो यहां पर x2 कितना है 7, सो 7 - x1 कितना है 6, सो 7 - 6² प्लस y2 कितना है देखिए -2, सो -2 - y1 कितना है देखिए 4, सो -2 - 4² दिस इज इक्वल टू, आप देखिए फ्रेंड 7 - 6 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 कितना होता है -6, तो -6 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 + -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहां पर फाइनली देखिए 1 + 36 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √37। आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमें एसी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर एबी और बीसी निकालने के बाद देखिए एबी और बीसी का वैल्यू इक्वल आ गया, तो दैट मींस यहां पर ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल है। मतलब ये तीनों पॉइंट्स मिलकर यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस एबी इज इक्वल टू बीसी, therefore the points 5, -2, 6, 4 and 7, -2 form an isosceles triangle। तो फ्रेंड्स यहां पर इस तरह का क्वेश्चन भी होता हो सकता है। मान लीजिए यहां पर पहले ए बी निकाला, उसके बाद बी सी निकाला, और निकालने के बाद ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हुआ है, तो फिर से यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर ऐसे निकालना पड़ेगा। तो उस केस में उसके बाद हम लोग भी यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में एबी और बीसी निकालने के बाद ये इक्वल हो गया, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या किया, ऐसी कैलकुलेट ही नहीं किया, क्योंकि यहां पर इक्वल हो गया, दैट मींस ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए सिक्स में बोल रहा है, देखिए नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब ये जो पॉइंट्स चार पॉइंट्स, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए तो चार पॉइंट्स होना चाहिए, तो यहां पर चार पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है। हमें ये चेक करना है ये चारों पॉइंट्स मिलके कौन सा क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। चलिए यहां पर हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए रोमन वन, तो हम लोग यहां पर नाम दे देंगे, सो लेट ए इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट को यहां पर हम लोग ए नाम दे देंगे, तो ए इक्वल टू माइनस वन कोमा माइनस टू, बी इज इक्वल टू वन कोमा जीरो, सी इज इक्वल टू माइनस वन कोमा टू एंड डी इज इक्वल टू माइनस थ्री कोमा जीरो। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए यहां पर ए बी निकालेंगे, देन बी सी निकालेंगे, तो यहां पर मतलब हम लोग क्या क्या निकालेंगे। देखिए मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूं, यहां पर मान लीजिए ये ए बी सी डी, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या क्या निकालेंगे। देखिए हम लोग पहले ए बी निकालेंगे, देन बी सी निकालेंगे, देन सी डी निकालेंगे, देन डी ए निकालेंगे। निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यहां पर जो डायगोनल्स होंगे, देखिए यहां पर डायगोनल्स क्या है ए सी एंड देन बी डी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद वो आगे आगे जाके मैं यहां पर हम लोग आप लोगों को बताऊंगा किस कंडीशन में किस तरह का ट्रायंगल, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, तो वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए यहां पर हम लोग पहले तो यहां पर एबीबीसी सीडी डीए और एसी बीडी निकाल लेते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। तो पहला देखिए यहां पर फर्स्ट स्टेप में यहां पर हम लोग एपी निकालेंगे, तो यहां पर एबी क्या हो जाएगा, देखिए एबी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब देखिए, तो यहां पर देखिए वन माइनस फॉर्मूला का माइनस, और यहां पर देखिए माइनस वन है, तो यहां पर माइनस माइनस मिलकर प्लस वन हो जाएगा, सो होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू कितना है देखिए जीरो, माइनस वाई वन, देखिए वाई वन कितना है माइनस टू, तो माइनस माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका प्लस टू होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर वन प्लस वन मतलब टू, टू का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फोर, प्लस यहां पर देखिए टू स्क्वायर, तो यहां पर कितना हो जाएगा फोर, तो फोर प्लस फोर यहां पर आ जाएगा आपका रूट एट, और रूट एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं फोर इंटू टू, और फोर का रूट करेंगे तो टू आ जाएगा, और यहां पर फाइनली आ गया हमारे पास ए बी इज इक्वल टू टू रूट टू। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे बीसी निकालेंगे, सो बीसी इक्वल टू, देखिए बीसी इक्वल टू, तो बीसी मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी मतलब रूट ओवर ऑफ, देखिए रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वन होल स्क्वायर देन प्लस टू माइनस जीरो होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, सो माइनस वन माइनस वन, सो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस टू होल स्क्वायर, प्लस टू माइनस जीरो मतलब टू, टू का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर फोर आ जाएगा, तो फाइनली यहां पर देखिए माइनस टू स्क्वायर मतलब फोर, फोर प्लस फोर, तो यहां पर फाइनली आ गया रूट एट, और रूट एट मतलब हम लोगों को मिला है देखिए रूट एट मतलब टू रूट टू। नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे ए बी बी सी देन सी डी, सी डी सी डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे रूट ओवर ऑफ माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस माइनस वन, तो माइनस माइनस वन करेंगे तो यहां पर प्लस वन हो जाएगा, सो प्लस वन होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, देखिए अभी फ्रेंड्स माइनस थ्री प्लस वन कितना होता है माइनस टू, सो माइनस टू होल स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए जीरो माइनस टू मतलब माइनस टू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस टू होल स्क्वायर कितना होता है फोर, देन यहां पर माइनस टू होल स्क्वायर प्लस फोर, देन रूट फोर प्लस फोर यहां पर रूट एट, और रूट एट कितना होता है टू रूट टू। अभी हम लोग क्या करेंगे डीए कैलकुलेट करेंगे, तो डीए इज इक्वल टू, डीए इज इक्वल टू, तो डीए कैलकुलेट करेंगे, तो डीए मतलब डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, डी एंड ए, तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर डी एंड ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस थ्री, तो यहां पर प्लस थ्री होल स्क्वायर, देन माइनस टू माइनस जीरो होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, तो यहां पर देखिए थ्री माइनस वन तो टू, सो टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस जीरो, तो यहां पर माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, और माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फोर, सो फोर प्लस फोर रूट एट, और रूट एट करेंगे तो क्या जाएगा टू रूट टू, तो यहां पर ए बी बी सी सी डी डी ए हम लोगों ने निकाल लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग यहां पर डायगोनल कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहां पर एसी निकालेंगे और बीडी निकालेंगे, तो यहां पर हम लोग एसी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स एसी आप खुद से निकालिए, ठीक है, एसी आप खुद से निकालिए, तो यहां पर एसी का वैल्यू आ जाएगा आपका फोर, और बीडी भी आप खुद से निकालिए तो बीडी का वैल्यू आ जाएगा यहां पर फोर। अभी यहां पर आप कंपेयर करें, देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए ए बी
बीसी सीडी और डीए का वैल्यू यहां पर इक्वल आ रहा है, मतलब यहां पर ए बी बी सी सी डी डी ए का वैल्यू देखिए हर एक का वैल्यू यहां पर 2√2 आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए डीए आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर ऑल द साइड्स आर इक्वल हो रहा है। पर यहां पर देखिए ऑल साइड्स इक्वल तो रंबस का भी होता है, तो यहां पर रंबस का और स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, पर रंबस और स्क्वायर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, रंबस का यहां पर डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता है, और यहां पर देखिए डायगोनल्स का लेंथ इक्वल हो गया, दैट मींस यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर डायगोनल्स का लेंथ इक्वल हो गया, दैट मींस यहां पर एसी और बीडी का लेंथ इक्वल हो गया, इसीलिए ये चारों पॉइंट्स मिलके यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे ये क्वाड्रिलेटरल यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर अगर एसी और बीडी का वैल्यू इक्वल नहीं होता तब जाके यहां पर हम लोग बोलते थे ए बी सी डी फॉर्म एन रंबस, क्योंकि यहां पर इक्वल हो गया डायगोनल का लेंथ, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये चारों पॉइंट्स मिलकर क्या करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा। तो यहां पर हम लोग फाइनल कंक्लूजन देंगे, देयरफॉर तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस करके यहां पर आप लिखेंगे सिंस दिस देन देयरफॉर ए बी सी डी फॉर्म ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट रोमन टू को यहां पर सॉल्व करते हैं। रोमन टू तो पहले हम लोग इसका ए नाम देंगे, इसको हम लोग बी नाम देंगे, इसको हम लोग सी नाम देंगे और इसको हम लोग डी नाम देंगे, उसके बाद हम लोग यहां पर एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहां पर हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। सो लेट नंबर टू यहां पर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, सो लेट ए इक्वल टू -3.5, बी इज इक्वल टू 3.1, सी इक्वल टू 0.3 एंड डी इज इक्वल टू -1.-4। सो देयरफॉर तो यहां पर पहले हम लोग ए बी करेंगे, सो ए बी इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस बिटवीन एन बी, तो करेंगे क्या जाएगा देखिए 3 देन -3, तो -3 तो यहां पर क्या जाएगा +3 होल स्क्वायर देन 1-5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3+3 6 का स्क्वायर +1-5 -4 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए 36+4 का स्क्वायर 16, तो यहां पर 36+16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36+15 करेंगे तो यहां पर 52 आ जाएगा, और 52 को हम लोग लिख सकते हैं 4×13 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर फाइनली आ गया ए बी का वैल्यू 2√13। अभी यहां पर हम लोग बीसी कैलकुलेट करेंगे, सो बीसी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा देखिए √0-3 होल स्क्वायर देन +3-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0-3 मतलब -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा +3-1 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, तो यहां पर फाइनली आ गया 9+4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोग सीडी करेंगे, सो सीडी इज इक्वल टू सीडी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, जब करेंगे देखिए क्या जाएगा देखिए -1-0 होल स्क्वायर +-4-3 होल स्क्वायर। सो यहां पर देखिए -1-0 मतलब -1 आ जाएगा, सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा +-4-3 कितना हो जाएगा -7 और -7 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 49 और 49+1 तो यहां पर आ जाएगा 50 और 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25×2 और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, तो फाइनली यहां पर आ गया सीडी का वैल्यू 5√2। तो यहां पर नेक्स्ट हम लोग यहां पर एडी या डीए कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर डीए कैलकुलेट कर लेते हैं। डीए मतलब डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपका -3-1, तो यहां पर -1 यहां पर +1 हो जाएगा +1 होल स्क्वायर देन देखिए 5 -4 तो -4 करेंगे तो यहां पर +4 हो जाएगा, तो यहां पर 5+4 होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहां पर -3+1 तो -3+1 -2 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5+4 9 9 का स्क्वायर, तो 5+4 9 9 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखिए 4+81
तो फाइनली यहां पर आ गया 85। नेक्स्ट यहां पर हम लोग डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप खुद से करिएगा। डायगोनल ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट बार 13, और उसके बाद आप बीडी कैलकुलेट करेंगे और बीडी का वैल्यू आ जाएगा यहां पर रूट बार ऑफ 41। अभी देखिए इसमें हम लोग क्या कमेंट देंगे। देखिए हमें यह पता है अगर सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू, जैसे कि यहां पर ए बी या बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया, तो यहां पर सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू अगर थर्ड साइड हो गया, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं वो जो पॉइंट है वो पॉइंट आर ऑन द सेम लाइन, दैट मीन्स वो पॉइंट आर कोलिनियर हो जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर फ्रेंड्स बी सी का वैल्यू कितना है देखिए रूट 13, और यहां पर नेक्स्ट यहां पर एसी का वैल्यू कितना है देखिए रूट 13। सो बीसी का वैल्यू रूट 13 है, एसी का वैल्यू रूट 13 है, और यहां पर रूट 13 प्लस रूट 13 मिलकर क्या बन रहा है देखिए रूट 13 प्लस रूट 13 मिलकर बन रहा है हमारे पास 2√13। तो देखिए यहां पर अगर मैं एक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं, मान लीजिए यहां पर मैं क्वाड्रिलेटर बना लिया, ये मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, और यहां पर एसी ज्वाइन किया तो एसी तो डायगोनल हो गया और बीडी एक डायगोनल हो गया। देखिए यहां पर ए बी हमारे पास कितना है देखिए ए बी हमारे पास देखिए 2√13, तो ए बी, और बीसी कितना है देखिए 2√13, और एसी कितना है देखिए 2√13। तो एसी और बीसी का वैल्यू जब ऐड कर रहे हैं तो यहां पर हमें ए बी मिल रहा है, दैट मींस ये तीनों नॉर्मली यहां पर अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं देखिए ये तीनों पॉइंट्स मिलकर यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, पर यहां पर जब हम लोग डाटा को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें हमें ये मिल रहा है सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, मतलब ये पॉइंट्स मिलकर यहां पर एक कोलिनियर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मींस ये पॉइंट्स लाइज इन द सेम लाइन, दे आर नॉट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। सो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये जो पॉइंट्स ये पॉइंट्स मिलके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं करते, क्यों, क्योंकि यहां पर सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड हो गया, दैट मींस यहां पर ये जो ट्राइंगल हम देख रहे हैं ये एक्चुअली ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है, ये आर ऑन द सेम लाइन है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस हम लोग ये रीजन देंगे सिंस ए सी प्लस बी सी is equal to BC is equal to AB, therefore AB A comma B comma C are collinear, therefore हम लोग बोलेंगे ABCD is not a quadrilateral, ये actually a quadrilateral ही नहीं है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने जो डिस्कस किया है उस डिस्कशन को आप लोगों को समझ में आया होगा, क्यों यहां पर ये पॉइंट्स कोलिनियर या ये पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर रोमान थ्री को यहां पर सॉल्व करते हैं, रोमान थ्री। सो यहां पर मैं सोल्यूशन शुरू करता हूं रोमान थ्री, तो पहले हम लोग यहां पर नाम दे देंगे, सो लेट ए इक्वल टू 4.5, बी इज इक्वल टू 7.6, C is equal to 4.3 and D is equal to 1.2। So, पहले हम लोग यहां पर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। चलिए यहां पर पहले हम लोग AB कैलकुलेट करेंगे, देन BC कैलकुलेट करेंगे, देन CD कैलकुलेट करेंगे, देन AD या DA कैलकुलेट करेंगे, देन AC कैलकुलेट करेंगे, देन AC एक डायगोनल हो गया और दूसरा हो गया आपका BD डायगोनल हो गया। तो ये आप खुद से करेंगे, मैं यहां पर डायरेक्टली आंसर लिखा देता हूं, और उसके बाद ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है उसको आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए यहां पर आप ए बी करेंगे तो ए बी का वैल्यू यहां पर आएगा आपका √10, बीसी जब करेंगे तो बीसी का वैल्यू आएगा यहां पर आपके पास 3√2। नेक्स्ट यहां पर सी डी करेंगे तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा यहां पर √10, डीए करेंगे तो डीए का वैल्यू आ जाएगा यहां पर 3√2। नेक्स्ट यहां पर एसी करेंगे तो एसी का वैल्यू आ जाएगा 2, और बीडी करेंगे बीडी का वैल्यू आ जाएगा यहां पर रूट ओवर ऑफ 52। तो मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया एबीसीडी, और डायगोनल भी हम लोगों ने यहां पर ज्वाइन कर लिया। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए एबी और सीडी का वैल्यू इक्वल हो रहा है, दैट मींस यहां पर एबी और सीडी इक्वल है, देन देखिए बीसी और एडी भी इक्वल है, तो यहां पर देखिए बीसी और एडी भी इक्वल है, पर डायगोनल इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल जाए जहां पर ऑल साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है पर डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग
पैरालेलोग्राम बोलते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरालेलोग्राम बोलते हैं। और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गया और डायगोनल्स भी इक्वल हो गया तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुल, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुल। तो यहां पर देखिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुआ है पर डायगोनल्स इक्वल्स नहीं है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेलल, फॉर्म ए क्या पैरेललोग्राम। तो चलिए यहां पर फाइनल कंक्लूजन में लिखा रहता हूं, तो आप लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी, देन बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी फॉर्म ए क्या फॉर्म ए पैरालेलोग्राम, फॉर्म ए पैरालेलोग्राम। तो यहां पर अगर एसी और बीडी मतलब डायगोनल का लेंथ इक्वल हो जाता तो यहां पर उस केस में हम लोग बोलते हैं ये एबीसीडी फॉर्म ए रेक्टेंगुल। तो मेरे ख्याल से रम्बस कब फॉर्म होता है, स्क्वायर कब फॉर्म होता है, पैरेललोग्राम कब फॉर्म होता है, रेक्टेंगुल कब फॉर्म होता है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा।